हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ प्लैनेट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ AIBE के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIBE के एग्ज़ाम को साल में दो बार कंडक्ट करवाता है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे। AIBE का रिजल्ट आने के बाद आपको उसकी कॉपी अपने स्टेट बार काउंसिल में सबमिट करनी होगी। आइए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू अपील इज अ, ऑप्शन ए नेचुरल राइट, ऑप्शन बी इनहेरेंट राइट, ऑप्शन सी स्टैचुटरी राइट, ऑप्शन डी डेलीगेटेड राइट। आपका क्या करेक्ट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट टू अपील इज अ स्टैचुटरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आउटरेजिंग द मॉडेसिटी ऑफ अ वुमेन इज पनिशेबल अंडर IPC। ऑप्शन ए सेक्शन 376 सब क्लॉज ए, ऑप्शन बी सेक्शन 376 सब क्लॉज बी, ऑप्शन सी सेक्शन 354, ऑप्शन डी सेक्शन 498। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। द करेक्ट आंसर इज सी, आउटरेजिंग द मॉडेसिटी ऑफ अ वुमेन इज पनिशेबल अंडर IPC सेक्शन 354। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस आर, ऑप्शन ए कंटेन्ड इन द IPC एज ओरिजिनली इनएक्टेड, ऑप्शन बी आर इंट्रोड्यूस्ड इन द IPC बाय अ सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, ऑप्शन सी आर नॉट कवर्ड बाय IPC, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द IPC बाय अ सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट अ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, ऑप्शन ए लेन, ऑप्शन बी स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ऑप्शन सी राइट टू रीसेल, ऑप्शन डी टू असर्टेन प्राइस। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू असर्टेन प्राइस इज नॉट अ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, ऑप्शन ए ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो अक्यूज्ड पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी, ऑप्शन ए एन अक्यूज्ड, ऑप्शन बी अ विटनेस, ऑप्शन सी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ऑप्शन डी हॉस्टाइल विटनेस। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ इज गिवन अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट which is helpful in deciding the extent of injury for compensation, option A insurance certificate, option B medical examination, option C medical certificate, option D B and C। अपना answer comment section में comment करके बताएं। And the correct answer is option D, B and C।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एडिशंस और ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस इज प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी अंडर सेक्शन, ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 215, ऑप्शन सी 216, ऑप्शन डी 210। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडिशंस और ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस इज प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी अंडर सेक्शन 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी चीफ मार्शल। आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एवरी अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी, ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑप्शन बी ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, ऑप्शन डी ए एंड बी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड ऑम्बड्समैन इज डिराइव फ्रॉम, ऑप्शन ए फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी स्वीडिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज द वर्ड ऑम्बड्समैन इज डिराइव्ड फ्रॉम स्वीडिश एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्टेड पर्सन अंडर सेक्शन, ऑप्शन ए 49 सीआरपीसी, ऑप्शन बी 50 सीआरपीसी, ऑप्शन सी 51 सीआरपीसी, ऑप्शन डी 52 सीआरपीसी। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द केस कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट्स टू, ऑप्शन ए वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन बी एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन सी नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन डी वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द केस कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट्स टू नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द लैंड एक्विजिशन एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम, ऑप्शन ए 1 मार्च 1955, ऑप्शन बी 1 मार्च 1986, ऑप्शन सी 1 मार्च 1994, ऑप्शन डी 1 मार्च 1894। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, द लैंड एक्विजिशन एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मार्च 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट इन अ पीआईएल नोन एज कमलनाथ केस इवॉल्व्ड, ऑप्शन ए बेसिक फ्यूचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ऑप्शन बी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्राइन, ऑप्शन डी पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्ट्राइन। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट इन अ पीआईएल नोन एज कमलनाथ केस इवॉल्व्ड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स, ऑप्शन ए सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी लेटर ऑफ इंटेंट, ऑप्शन सी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट,
ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्लीडिंग मीन्स ऑप्शन ए प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, ऑप्शन बी प्लेंट ओनली, ऑप्शन सी रिटन स्टेटमेंट, ऑप्शन डी ओरल स्टेटमेंट बाय द प्लीडर। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्लीडिंग मीन्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद इन द परव्यू ऑफ वाटर एक्ट द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए इंक्लूड्स अ रिवर बट नॉट अ वाटर कोर्स, ऑप्शन बी इंक्लूड्स अ वाटर कोर्स बट नॉट अ रिवर, ऑप्शन सी इंक्लूड्स रिवर एंड वाटर कोर्स बट नॉट सबटेरेन वाटर्स, ऑप्शन डी इंक्लूड्स अ रिवर अ वाटर कोर्स एंड सबटेरेन रिवर्स। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंक्लूड्स अ रिवर अ वाटर कोर्स एंड सबटेरेन रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म टॉट इज अ ऑप्शन ए लैटिन वर्ड, ऑप्शन बी फ्रेंच वर्ड, ऑप्शन सी इंग्लिश वर्ड, ऑप्शन डी इटालियन वर्ड। आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द टर्म टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनकम टैक्स वॉज इनएक्टेड इन ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इनकम टैक्स वॉज इनएक्टेड इन ईयर 1961। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं तो सिंगल पब्लिकेशन ने अपनी प्रीवियस ईयर की एक बुक निकाली हुई है, जिसे परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।